हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से इस पर्टिकुलर वीडियो में। हम लोग एमपी के करंट अफेयर्स यहाँ पर देख लेते हैं। बेसिकली एमपी पीसीएस के एग्जाम्स के लिए और एमपी पुलिस या एसआई जो भी एग्जाम होगा आपका आगे, उसमें ये एमपी करंट अफेयर्स यूजफुल रहेगा। एमपी पीसीएस 12 तारीख को है, तो जितना रिलिवेंट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर एमपी का प्रोवाइड करवा दिया जाएगा आपको। यहाँ पर न्यूज़ से हम लोग करंट अफेयर्स निकालेंगे, तो पूरी की पूरी न्यूज़ यहाँ पर लिखी हुई है, लेकिन सारे फैक्ट यहाँ पर नहीं पढ़ने हैं। न्यूज़ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनकी स्टडी यहाँ पर की जाएगी। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं। सबसे पहले साल की शुरुआत से ही शुरू होगा, 1 साल पहले तक का है। इसमें 19वीं जो भारतीय इतिहास कांग्रेस हुई थी, जिसको इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस बोलते हैं, इसका आयोजन पहले पुणे में होना था, लेकिन फाइनली इसका आयोजन 26 फरवरी 2019 को ये हुआ था भोपाल, मध्य प्रदेश के बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में, या फिर हम कह सकते हैं बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में। ये बात आपको याद रखनी है। इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस जो है मध्य प्रदेश में दूसरी बार हुई है, पहली बार कब हुई थी 2011 में। बस इतने फैक्ट जो है इस न्यूज़ से इंपॉर्टेंट रहे हमारे, तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। ये युवा स्वाभिमान योजना है, ये काफ़ी न्यूज़ में रही थी एमपी में लोकल में काफ़ी पॉपुलर भी हुई थी, इस वजह से इसको देखना ज़रूरी है। तो युवा स्वाभिमान है, तो इसका जैसा कि नाम है सजेस्ट कर रहा है कि रोजगार सृजन करेगा। रोजगार सृजन यहाँ पर किया जाएगा ईडब्ल्यूएस के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के शहरी युवाओं के लिए। ध्यान रखिएगा, शहरी युवाओं के लिए है, रूरल के लिए नहीं है। जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनाते हैं वो हो सकता है रूरल दे दें और आपको फिर उसमें चूज करना हो, तो शहरी युवाओं के लिए है। 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देता है, तो दिनों की संख्या भी ध्यान रखेंगे। प्रतिमाह 4,000 रुपये का वजीफा मिलेगा और 100 दिनों की अवधि के लिए कुल 13,500 रुपये यहाँ पर प्रदान किए जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस अवधि के दौरान उन्हें कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे आर्थिक रूप से वो स्वतंत्र हो सके। और एलिजिबल कौन कौन है, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम है, ये याद रखना है आपको। और युवा वर्ग का एज क्या होना चाहिए, 21 से 30 साल, ठीक है। उसमें कंपनीज को भी इन्वॉल्व करेंगे। रोजगार, अगर देखिए, अगर रोजगार देना तो रोजगार आएगा कहाँ से, रोजगार कंपनीज के माध्यम से आएगा। कुछ चीज़ें बनेंगी उसी में तो है रोजगार सृजन होगा, ठीक है। तो कंपनियों के साथ मिलकर के रोजगार का अवसर बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर योजना है। बाकी हमने इम्पोर्टेंट वाली चीज़ें आपको बता दी। अब ये गायों को गोद लेने का ये ऑफर दिया गया था मध्य प्रदेश के द्वारा, इसमें क्या क्या ध्यान रखना है। गौशाला या गौ आश्रय जो होते हैं वो बनवा रही है सरकार, ठीक है। ऑनलाइन सेवा शुरू की है कि जैसे कुछ लोग जो है, जैसे हमारे हिंदू धर्म में गाय बहुत पवित्र होती है, गाय की सेवा करना, गाय को गोद लेना, गाय की देखरेख करना, इसे बहुत पुण्य मिलता है, हिंदू धर्म में मानते हैं, ठीक है। तो आप क्या करना है कि जैसे आप गाय रख नहीं सकते, मान लीजिए आपके घर पे प्लेस नहीं है, जगह नहीं है इतनी बड़ी, या फिर कोई देख रेख करने वाला केयर टेकर नहीं रख सकते हैं, तो आप सिंपली जो है पैसे दे सकते हैं ऑनलाइन। आप 15 दिनों के लिए गाय को गोद ले सकते हैं, तो उसका आप भुगतान कर दीजिए, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आपने इस गाय को गोद लिया, ठीक है। तो 15 दिनों तक मिनिमम गोद ले सकते हैं, और जितना गाय जिएगी गाय के जीवन काल तक भी आप उसको गोद ले सकते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट गौशाला का हिस्सा है ये, गायों को गोद लेने की पहल। इसमें ऑनलाइन जो है पेमेंट होना था। और एक दो और चीज़ें देख लेते हैं, जैसे जो भी डोनर होगा वो 626 गौशाला हैं उनमें से एक को चुन ले जो उसके पास हो, या फिर जहाँ भी जो भी चुनना चाहे ऑनलाइन। और एक गाय के आहार में आधा किलो अनाज लगेगा, 5 किलो ग्रीन फीड लगेगी जो गैर स्तनपान कराने वाली गायें हैं, और गैर गर्भवती गाय के मामले में 10 किलो गेहूं का चारा, इतना जो मतलब लगा करेगा। इसका पैसा जो है डोनर से लिया जाएगा, या फिर डोनर को जो है एडवांस में पे करना पड़ेगा। 15 दिनों के लिए गाय के भोजन का भुगतान करने के लिए न्यूनतम राशि कितनी है, 1,100 रुपये, ये याद रखा जा सकता है। और 10 वर्षों के लिए, 10 वर्षों के लिए जो लोग गोद लेंगे वो 3 लाख रुपये यहाँ पर पे करेंगे, और 6 महीने के लिए जो गोद लेंगे वो 11,100 रुपये पे करेंगे, ठीक है। पशुपालन विभाग की वेबसाइट पर योजना योगदानकर्ता का नाम प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे उनको थोड़ा सा ऑनर मिले। अगला है, मध्य प्रदेश ने ओबीसी का कोटा बढ़ा दिया था, ये चीज़ जो है काफ़ी चर्चा में रही थी, कुछ विरोध प्रदर्शन भी शायद हुए थे इसके। तो आरक्षण को 73% तक ले गई मध्य प्रदेश की सरकार, ये ध्यान में रखने वाली बात है। ये हमसे पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में जो आरक्षण का प्रतिशत किसका हो गया है, तो ये हो गया 73% करीब। बाकी यहाँ पर लिखा हुआ है कि ओबीसी के लिए आरक्षण को मौजूदा 14 से बढ़ाकर 27 करने का प्रस्ताव किया है, और 36% आरक्षण है अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए, ओबीसी के लिए आरक्षण की वृद्धि, और ईडब्ल्यूएस के लिए जो 10% आएगा उससे 73% तक हो जाएगा, और हो चुका है बेसिकली ये, तो ये ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश ने आध्यात्मिक विभाग बनाया था, ये चीज़ न्यूज़ में आई थी। स्पिरिचुअल डिपार्टमेंट, स्पिरिचुअल डिपार्टमेंट स्थापित करने वाला ये पूरे देश का हमारा पहला ऐसा स्टेट होगा।
तो ये ट्वीट करके जानकारी दी गई थी कि धर्म और धर्मस्व विभाग की स्थापना की जाएगी, धार्मिक न्यास और बंदोबस्ती विभाग इसको बोलेंगे, आनंद विभाग और धार्मिक न्याय न्यास और बंदोबस्ती निदेशालय के अलावा मध्य प्रदेश तीर्थ और मेला प्राधिकरण और राज्य आनंद संस्थान का विलय प्रस्तावित करके आध्यात्मिक विभाग बनाने वाला है, स्पिरिचुअल डिपार्टमेंट इसको बोलेंगे। आप जानते हैं कि हैप्पीनेस मिनिस्ट्री स्थापित करने वाला पहला राज्य था मध्य प्रदेश, अब इसको मर्ज करके और इन सब चीज़ों को मर्ज करके हैप्पीनेस डिपार्टमेंट, धार्मिक न्यास बंदोबस्ती निदेशालय, मध्य प्रदेश तीर्थ और मेला प्राधिकरण को मिला करके एक स्पिरिचुअल डिपार्टमेंट बनाया जाएगा। ठीक है, हैप्पीनेस डिपार्टमेंट पहला ऐसा राज्य था मध्य प्रदेश जिसने आनंद विभाग या हैप्पीनेस डिपार्टमेंट बनाया था, ये चीज़ न्यूज़ में रही थी 2018 मंथ में। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। हैप्पीनेस डिपार्टमेंट आने से पहले भूटान में जैसे हैप्पीनेस मापा जाता है लोगों का विकास, और अमेरिका का जो इंटरनेशनल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है जैसे हैप्पीनेस को यहाँ पर क्राइटेरिया बनाता है डेवलपमेंट का आकलन करने के लिए, इन सब चीज़ों की स्टडी की गई थी। मध्य प्रदेश में मध्य भारत का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ पर खुलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये आपका खुलेगा देवास में, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसको अवंती मेगा फूड पार्क नाम दिया जाएगा। ठीक है, अवंती मेगा फूड पार्क यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग का यहाँ पर मतलब कुल मिलाकर लक्ष्य रहेगा। फार्म टू प्रोसेसिंग और डायरेक्ट लिंकेज यहाँ पर करना चाहते हैं, कुल मिलाकर के जो प्रोसेस्ड फूड है इसकी मार्केट को यहाँ पर बढ़ाने की बात की जा रही है। प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर से डायरेक्ट मार्केट में अगर सामान आएगा तो उसकी गुणवत्ता भी अच्छी रहेगी और लागत मूल्य भी निकलेगा लोगों का, व्यापारियों का। आगे है, इट इज़ अच्छा, ये उसका ब्यौरा दिया हुआ है, मेगा फूड पार्क जो है ये 51 एकड़ तक फैला रहेगा, 150 करोड़ की लागत से बन रहा है, 5,000 स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, चना गेहूं सोयाबीन अनाज वगैरह सब्जियों का प्रसंस्करण किया जाएगा, आगरा इंदौर धार उज्जैन और अगले चरणों में गोदाम खोले जाएंगे। देवास इंपॉर्टेंट है जगह का नाम। अब मेगा फूड पार्क का बेनिफिट यहाँ पर दिया हुआ है, ये हमारे प्री एग्जाम के लिए इतना जरूरी नहीं है, मेंस के लिए हो सकता है। एक्सेस प्रोडक्शन कंपेल्स फार्मर्स टू सेल देयर प्रोड्यूसेस एट लो रेट, यानी कि अगर ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है किसानों के पास तो उनको कम दामों में अपना अनाज बेचना पड़ता है, लेकिन जब मेगा फूड पार्क होगा तो उनको जो है ऐसा नहीं करना पड़ेगा, वो स्टोर भी कर सकते हैं अपना अनाज आगे के लिए जब मूल्य जो है समान हो जाए। आगे हमारा है भारत, इंडियन आर्मी ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया था स्पाइक LR को। मध्य प्रदेश का इससे लिंकेज बस यही है कि इसका टेस्ट फायर कहाँ पर किया गया था, इन्फेंट्री स्कूल मऊ में। ठीक है, मऊ मध्य प्रदेश में इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था, इस वजह से इम्पॉर्टेंट है, मऊ या मऊ ऐसे बोलते हैं इसको, तो बस ये इंपॉर्टेंट है। स्पाइक LR जो है 4th जनरेशन की मिसाइल है, 4 किलोमीटर की दूरी तक सटीकता से लक्ष्य साध सकती है, और इसको इसराइल के राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने बनाया है, बस इतना इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, मध्य प्रदेश अपने स्पोर्ट्स पर्सन को 5% रिजर्वेशन देगी गवर्नमेंट जॉब में, तो मध्य प्रदेश की सरकार खिलाड़ियों को कितना देगी, 5%, ये ध्यान में रखने वाली बात है। ठीक है, हालांकि अभी ये नहीं तय हो पाया है कि जो है क्राइटेरिया क्या रहेगा कि खिलाड़ियों को क्या अचीवमेंट शो करनी होगी कि वो राजकीय स्तर के खिलाड़ी हैं तो उनको 5% रिजर्वेशन दिया जाए। ठीक है, उसके अलावा स्पोर्ट्स पर्सन को मध्य प्रदेश की सरकार और क्या देती है, क्योंकि स्पोर्ट्स डे की करंट अफेयर हो चाहे स्पोर्ट्स का GK हो, ये हमारे में लिखा हुआ है MP में कि ये आएगा, तो और क्या यहाँ पर दिया जाता है खिलाड़ियों को मध्य प्रदेश के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। अदर बेनिफिट में क्या मिलता है, विक्रम पुरस्कार, विक्रम पुरस्कार मिलता है, विक्रम पुरस्कार राज्य के में खिलाड़ियों के लिए सर्वोच्च पुरस्कार है, तो मध्य प्रदेश की सरकार का खिलाड़ियों को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, विक्रम पुरस्कार, ये इस तरीके से आ सकता है। ठीक है, विक्रम पुरस्कार, उसके अलावा जो है इंटरनेशनल मेडलिस्ट जो होते हैं, नेशनल मेडलिस्ट जो होते हैं उनका कोटा तो होता ही है राज्य में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, किशोर कुमार सम्मान, ये चीज़ जो है न्यूज़ में रही थी, ये वैसे भी नेशनल करंट अफेयर के तरीके भी इंपॉर्टेंट है और स्टेट करंट अफेयर के लिए भी। किशोर कुमार जी का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में, ठीक है, तो यहाँ पर फिल्म के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किशोर कुमार सम्मान दिया जाता है। इस बार किससे दिया गया है, इस बार दिया गया है मलयालम और हिंदी फिल्मों के जो डायरेक्टर हैं प्रियदर्शन, जिन्होंने अक्षय कुमार के साथ मिलकर के काफ़ी फिल्में बनाई, जैसे कि हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी, ये सब चीज़ें, भागम भाग भी बनाई थी, तो उनको मिला है। 13 अक्टूबर को ही क्यों दिया जाता है, क्योंकि 13 अक्टूबर को निधन हुआ था मुंबई महाराष्ट्र में किशोर कुमार का। किशोर कुमार जूरी प्राइज जो है 2017-2018 के लिए किसे मिला है, वहीदा रहमान को, ये पूछा जा सकता है, क्योंकि कुछ चीज़ जो हम लोग सोच रहे होते हैं कि जो
टॉप लाइन में रहती है, फ्रंट लाइन, फ्रंट न्यूज़ में। कभी कभी वो नहीं आती एग्जाम में, जो उसके नीचे लिखा रहता है छोटा सा वो आता है। तो अगर पूछ ले किशोर कुमार ज्यूरी सम्मान किसे मिला है, तो अभिनेत्री वहीदा रहमान को। ठीक है, किशोर कुमार पुरस्कार या सम्मान का हम लोग बैकग्राउंड देखें तो सबसे पहले डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी को ही मिला था, ये याद रखा जा सकता है। एमपी के संस्कृति विभाग द्वारा सिनेमाई उपलब्धियों में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो किशोर कुमार का जन्म कहाँ पर हुआ था, खंडवा में, और यहीं पर जो है अवार्ड फंक्शन होते हैं इसके, इस अवार्ड के सरबनी के। मध्य प्रदेश की पहली इंटरनेशनल फ्लाइट जो है यूज में रही थी, इंदौर से दुबई ये सर्विस शुरू हुई थी। सबसे पहली अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक उड़ान भरी गई थी कहाँ से कहाँ तक, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ये उड़ान भरी गई थी आपकी इंदौर से दुबई के लिए, ठीक है, और एयर इंडिया ने यहाँ पर अपना जहाज दिया था इसमें। तो एयर इंडिया फ्लाइट A1903, ये फ्लाइट का नाम भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि एमपी में किस तरीके के फैक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है, बहुत छोटे, बहुत माइन्यूट। तो इसने इंदिरा के देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 150 यात्रियों के साथ उड़ान भरी थी। ये पहली अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ान थी मध्य प्रदेश की। ठीक है, बाकी उड़ान के मेजर पॉइंट्स दिए गए हैं, जो कि हमारे प्री पॉइंट ऑफ व्यू से उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन को देख लेते हैं कि संबंध यहाँ पर अच्छे होंगे, दुबई के साथ व्यापारिक संबंध अच्छे होंगे, और एक नॉन स्टॉप उड़ान थी जिससे भाईचारे को बढ़ावा मिलेगा। पर्यटकों की लंबी जो इच्छा थी, रह गई थी मध्य प्रदेश के लोगों की दुबई जाने की, वो पूरी हुई। थावरचंद गहलोत यहाँ पर लीडर बनाए गए राज्यसभा के, ये मध्य प्रदेश से हैं, इस वजह से इनका नाम इम्पोर्टेंट रहेगा। पिछली सरकार में ये जो आपकी 14 से 19 तक जो थी, उसमें अरुण जेटली यहाँ पर थे राज्यसभा के लीडर। एमपी का जो ओरछा है, यूनेस्को ने इसको WHS की टेंटेटिव लिस्ट में डाला था। अभी फाइनल लिस्ट आना अभी भी बाकी है, लेकिन ये पूछ सकते हैं कि टेंटेटिव लिस्ट में किसको डाला था, तो ये था ओरछा, हेरिटेज साइट ऑफ ओरछा टाउन। वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो टेंटेटिव लिस्ट थी उसमें इसको डाला गया था, और अगर ऐसा हो जाता है, काश ऐसा हो, तो ये हमारी नेक्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन सकती है ओरछा। ठीक है, ओरछा में बहुत सारे स्थान हैं, बहुत ही अच्छा रिलीजियस प्लेस है, वहाँ जाना चाहिए। ओरछा टाउन के बारे में देखिए अब जानकारी प्राप्त कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा थोड़ा जीके भी यहाँ पर करते रहेंगे। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के निवारी जिले में स्थित है, ये इम्पोर्टेंट बात है। बेतवा नदी के किनारे है, ये इम्पोर्टेंट बात है। टीकमगढ़ जिले से 80 किलोमीटर और झांसी से 15 किलोमीटर है। 16वीं शताब्दी में राजा रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला वंश के जो शासक थे, उनके दौरान ये बनवाया गया था, और भारत का एकमात्र स्थान है जहाँ भगवान को, भगवान राम जो है हमारे हिंदुओं का प्रतीक है, भगवान राम को राजा मानते हैं वो, तभी राजा राम मंदिर है वहाँ पर, उन्हें वो भगवान के रूप में नहीं, राजा राम मानते हैं। ठीक है, राजा राम मंदिर वहाँ पर है। एक बाजीराव अंतिम व्हाइट टाइगर की मृत्यु, वैसे हमने बिहार का रेंट अफेयर में भी इस चीज़ को पढ़ा था, क्योंकि इस जो बाजीराव बाघ है या फिर जो इसकी डायनेस्टी है, इसका कहीं ना कहीं संबंध दोनों स्टेट से है, बिहार एमपी इन सब राज्यों से। पहले न्यूज़ को समझते हैं फिर पूरी चीज़ बताएंगे। बाजीराव नाम का जो अंतिम बंदी सफेद बाघ, ध्यान रखिएगा बंदी सफेद बाघ, लास्ट कैप्टिव व्हाइट टाइगर डाइड, बाजीराव ये अब रह रहा है बोरीवली मुंबई उपनगर में, जो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान था उसमें उसकी मृत्यु हो गई। 18 वर्ष का था, 2001 में इसका जन्म यहीं पर हुआ था। ठीक है, अब संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में लिखा है कि ये बोरीवली सब अर्बन में, ये आपका रिजर्व्ड एरिया है मुंबई में, इसे बोरीवली नेशनल पार्क के रूप में भी जानते हैं हम लोग। ठीक है, इसका मध्य प्रदेश से कनेक्शन बस इतना है कि आखिरी व्हाइट टाइगर जो हमको नॉन कैप्टिव पाया गया था, वो रीवा के जंगलों में पाया गया था, मध्य प्रदेश में आखिरी बार देखा गया था, इस वजह से इसका कनेक्शन है। तो बस ये आपको याद रखना था इसमें। आगे बढ़ते हम लोग, उज्ज्वला लाभार्थी अभी भी मिट्टी के चूल्हे का उपयोग करते हैं, ये एक इंस्टीट्यूट है, इसका नाम RICE है, रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर कंपैशनेट इकोनॉमिक्स। इसने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों पर जो है एक सर्वे किया था 4-5 राज्यों में, और कुछ रिपोर्ट अपने बनाई है। इनके अनुसार ग्रामीण बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में उज्ज्वला लाभार्थियों में से 85% अब भी खाना बनाने के लिए जो है सॉलिड फ्यूल का यूज़ करते हैं, चाहे गोबर के उपले हों, चाहे लकड़ियाँ हों, चाहे आपके बर्न करने वाले अन्य दूसरे साधन हों, दो लोग जो है सिलेंडर रिफिल नहीं करवा रहे हैं, ऐसा उनका मानना है। सर्वेक्षण में ये चार राज्य जो शामिल हुए थे, इसमें एलपीजी के स्वामित्व में वृद्धि तो हुई है, यानी एलपीजी कनेक्शन सभी को मिला है, एलपीजी का जो है गैस स्टोव सबके पास है, एक सिलेंडर है सबके पास, लेकिन वो लोग उसको फिल नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, 27% खाली परिवार ऐसे मिले
जो जो है गैस चूल्हे का उपयोग कर रहे थे, 37% जो है दूसरे ईंधन का चूल्हा यूज़ कर रहे थे, और गैस चूल्हा और जो सॉलिड फ्यूल दोनों यूज़ कर रहे थे वो जो है 37% थे, बाकी 36% जो थे विशेष रूप से सॉलिड फ्यूल का यूज़ कर रहे थे। बस ये आपको याद रखना है कि इस जो RIC इंस्टीट्यूट में जो सर्वे कराया गया था, इसमें कौन कौन से राज्य शामिल हैं। बिहार शामिल है, मध्य प्रदेश शामिल है, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, जो अब भी गोबर के उपले या लकड़ियों का यूज़ कर रहे हैं, रिफिल नहीं करवा रहे हैं। बाकी जो स्टडीज़ हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी हमारे लिए। जैसे लिखा हुआ है कि 70% जो आंसरर्स या फिर सर्वे में शामिल होने वाले लोग थे, उनका मानना है कि गैस स्टोव जो है स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो सकता है बनाने वाले के लिए, लेकिन उनको लगता है कि 86% लोग ऐसा मान रहे थे कि चूल्हे गैस स्टोव से बना हुआ खाना हमारे लिए अनहेल्दी हो सकता है, ऐसा उनका मानना था। जबकि वो ये नहीं जान रहे थे कि अगर सॉलिड फ्यूल से बने हुए खाने में बनाने में जो धुआं निकलता है वो तो सभी लोग जो है इनहेल करते हैं ना, घर वाले, तो ऐसे तो सभी को नुकसान होगा, वो ये नहीं समझ पा रहे थे। बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2018 के बारे में बात कर लेंगे हम लोग, इसमें भी मध्य प्रदेश का इन्वॉल्वमेंट होगा, तभी ये चीज़ आपको दिखाई जा रही है। ये सर्वे किसने किया था ये जानना जरूरी है। इसको UNDP ने किया था, UNDP और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी और ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव है इसका ये सर्वे था। इसने कुछ इंडिया के बारे में अपनी डिटेलिंग दी है, इनको पढ़ लेते हैं। इंडिया ने अपनी पॉवर्टी को घटाया है, इनके अनुसार 55 से 28% तक हम अपनी पॉवर्टी रेट को ले आए हैं 10 सालों में। 271 मिलियन लोग जो हैं 2005-06 से लेकर 15-16 यानी 10 सालों में बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं, ठीक है, ये इनका मानना है। और बच्चे जो हैं सबसे ज़्यादा, बच्चों में सबसे ज़्यादा गरीब राज्य अनुसूचित जातियों और मुसलमानों में सबसे गरीबी जो है तेज़ी से बढ़ी है, ये मानना है। गरीबी तो घटी है, पॉवर्टी रिडक्शन हुआ है, लेकिन अब भी गरीबी का प्रतिशत जो है इन्हीं में सबसे ज़्यादा है, ये बताने वाली बात है। उसके बाद आप देखें बाकी स्टडीज़ इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। मुसलमानों और एसटी के बीच गरीबी 10 सालों में सबसे कम हुई है, लेकिन इन दोनों समूहों में गरीबी की दर सबसे ज़्यादा है, ठीक है, मतलब गरीबी कम जरूर हुई है लेकिन गरीबी की दर इन्हीं में सबसे ज़्यादा पाई जा रही है। इम्पॉर्टेंट बात है कि 4 राज्य सबसे गरीब पाए गए थे, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश चौथे नंबर पर इन 4 राज्यों के एस्टिमेट्स में। इनमें सब मिलाकर के 196 मिलियन बहुआयामी गरीब लोगों के घर थे, यानी कि मल्टी डायमेंशनल पुअर लोग यहाँ रह रहे थे इन 4 राज्यों में, ठीक है। झारखंड ने सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाया था, ये ध्यान रख सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और नागालैंड ने अच्छा प्रदर्शन किया था। और केरला जो था सबसे पुअर रीजन देखा गया था 2006 में, मल्टी डायमेंशनली पुअर लोग यहाँ पर देखे गए थे, लेकिन उन्होंने अपने बहुआयामी गरीबी को 92% तक घटाने का काम किया है, ठीक है। बाकी जो इंटरनेशनल न्यूज़ है वो उतनी इम्पोर्टेंट नहीं रहेगी आपके लिए। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है, इसका एस्टिमेशन जो है इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि ये आइडेंटिफाई करता है कि गरीब कौन लोग हैं, हु इज पुअर एंड वो गरीब कैसे हैं, हाउ आर दे पुअर। ललित कला अकेडमी के 60वें राष्ट्रीय अकेडमी पुरस्कारों की घोषणा हुई थी, इसमें मध्य प्रदेश से जिनको मिला है पुरस्कार, बस वही उन्हीं का नाम आपको याद रखना है, 60 के 60ों का नाम आपको याद नहीं रखना है। तो इसमें से देख लेते हैं कितने लोग यहाँ पर मध्य प्रदेश के हैं। तो इन अवार्डीज में मध्य प्रदेश के अवार्डी कौन थे, श्री हेमंत राव थे, इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा, इस समय मध्य प्रदेश में रहते हैं ये, भोपाल में इस समय रह रहे हैं, तो इनका नाम जरूर ध्यान रखना है, बाकी सबका नाम आप इग्नोर कर सकते हैं, इन्हीं का नाम हो सकता है पूछा जाए, बस। ललित कला अकेडमी के बारे में बिल्कुल आपको ध्यान रखना चाहिए, ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, स्वायत्त निकाय है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत काम करता है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अगली न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है राज्य सरकार के पर्पज से या फिर MP के करंट अफेयर के पर्पज से, लेकिन फिर भी इसको हम देख लेते हैं। एक्चुअली केंद्र सरकार ने अलाउ कर दिया था राज्य सरकारों यानी कि स्टेट गवर्नमेंट्स को कि वो एनिमी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ में ला सकते हैं, सार्वजनिक उपयोग की अनुमति दे दी थी केंद्र सरकार ने कुल मिलाकर के। तो शत्रु संपत्तियां क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। एनिमी प्रॉपर्टी ऑर्डर 2018 जो है, यानी कि आपका शत्रु संपत्ति आदेश 2018 के निपटान के लिए दिशा निर्देशों को यहाँ पर संशोधित किया गया है बेसिकली, ठीक है। तो इसकी गाइडलाइंस चेंज की गई हैं। शत्रु संपत्ति बेसिकली है क्या ये पता होना चाहिए। शत्रु संपत्ति उन लोगों की संपत्ति है जो विभाजन के दौरान पाकिस्तान चले गए थे या सीनो इंडिया वॉर के समय चीन चले गए थे। तो चीन और पाकिस्तान जाने वाले लोग हैं शत्रु, और उनकी संपत्तियां जो भारत में रह गई हैं वो है शत्रु संपत्ति, ठीक है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 9,280 ऐसी संपत्तियां हैं
और जिन जो पाकिस्तान चले गए थे उनके द्वारा भारत में छोड़ दी गई, और 126 ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो चीन चले गए थे और यहाँ छोड़ दी उन लोगों ने, ठीक है, वहाँ की नागरिकता ले ली जाके। तो पाकिस्तान चले गए लोगों की कुल संपत्ति उत्तर प्रदेश में इतनी है, सर्वाधिक 4,991, देश में सबसे अधिक है, फिर पश्चिम बंगाल के पास है और फिर दिल्ली में है 487, ठीक है। चीन जाने वाले लोगों की संपत्ति में से 57 संपत्तियां जो है मेघालय में है, जो देश में सबसे ज़्यादा हैं, पश्चिम बंगाल में 29 संपत्ति हैं, असम में 7 हैं, ठीक है। सभी संपत्तियों का मूल करीब 1,00,000 करोड़ रुपए लगाया जा रहा है। बाकी ये आपका शत्रु संपत्ति अधिनियम कब आया था, 1968 में, ये ध्यान रखा जा सकता है। और अधिनियम शत्रु संपत्ति संशोधन और सत्यापन अधिनियम 2017 के माध्यम से आगे अमेंड किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर CISF का 50वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया था गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में, 50वां स्थापना दिवस था। पीएम मोदी जी ने कहा था कि हमको एयरपोर्ट्स में, मेट्रोज में CISF की उपलब्धियों को शोकेस करने के लिए कुछ म्यूजियम बनवाने चाहिए। CISF अस्तित्व में कब आया था, 1969 में, ठीक है। इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी PSUs को, जो उस समय इकोनॉमी में ऊंचाई छू रहे थे, 1969 70 या फिर कह सकते हैं कि 70 के दशक के आखिर में। चूंकि अब ग्लोबलाइजेशन के बाद इकोनॉमी बदल गई है, तो ये एक खाली PSU सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कहीं ना कहीं मल्टी स्किल्ड सिक्योरिटी एजेंसी के रूप में उभरा है पूरे देश में, ये यहाँ पर बात है। कुल मिला के देश के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के निर्माण के साथ साथ CISF आपदाओं के दौरान सामंजस्य की स्थिति स्थापित करने की एक शक्ति के रूप में उभरा है। CISF ने केरल के बाढ़ के दौरान, नेपाल और हैती में भूकंप के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रयागराज का मेला यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, मेले 4 जगह लगते हैं, उनमें से एक मध्य प्रदेश भी है, ठीक है। इस वजह से जो है, अगर कहीं दूसरी जगह भी मेला हुआ है, चाहे बड़ा कुंभ हो चाहे छोटा कुंभ हो, अगर उसने कुछ रिकॉर्ड्स बनाए तो हमसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि कुंभ तो आपका कंसर्न MP से भी है कहीं ना कहीं। तो प्रयागराज में कुंभ मेला हुआ था, 2019 में हुआ था। लार्जेस्ट ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट प्लांट के लिए यहाँ पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया, प्रयागराज मेले का, या फिर कुंभ मेले उत्तर प्रदेश में जो हुआ था उसका। बिगेस्ट पेंटिंग एक्सरसाइज ऑफ पब्लिक साइट्स अंडर पेंट माई सिटी स्कीम के तहत ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया। बिगेस्ट सैनिटेशन एंड वेस्ट डिस्पोजल मैकेनिज्म जो उस समय स्थापित किया गया था मेले के दौरान, सबसे बड़ा स्वच्छता और अपशिष्ट निपटान तंत्र के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया। कुंभ मेला या पवित्र घड़ा जो है, मतलब कुंभ का मतलब घड़ा ही होता है बेसिकली, सार्वजनिक रूप से सबसे बड़ा सामूहिक और सामूहिक सामूहिक त्यौहार है, ठीक है, त्यौहार और अभ्यास से कुल मिलाकर के ये, और 4 वर्षों में छोटा छोटा मनाया जाता है छोटे कुंभ, और 12 वर्षों के दौरान बड़ा मनाया जाता है, ठीक है। कहाँ कहाँ पर होता है, उत्तराखंड में हरिद्वार में होता है, मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी पर उज्जैन में होता है, इस वजह से इसका कंसर्न है मध्य प्रदेश से। महाराष्ट्र में गोदावरी पर होता है, नासिक में, और उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम प्रयागराज पर होता है। 2017 में यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में कुंभ मेले को शामिल किया गया था, ठीक है। पौराणिक महत्व आप जानते हैं, दार्शनिक शंकराचार्य की कृतियों से इसका अंदाजा लगाया जाता है कि जो है माइथोलॉजी जो है हमारी, उसमें ये दिखाया जाता है कि देवताओं और राक्षसों के बीच ये अमृत से भरे हुए घड़े यानी कि कुंभ के लिए युद्ध हुआ था, जिसमें कि देवताओं में से जो है विष्णु जी ले आए थे मोहिनी का रूप धारण करके, डिस्काइज धारण करके, और उनकी मुट्ठी से कुंभ को छीन लिया था। और जो कुछ बूंदें गिर गई थी पृथ्वी पर, कहाँ कहाँ पे गिरी थी, हरिद्वार में, उज्जैन में, नासिक में और प्रयाग में, 4 बूंदें गिर गई थी, तो यहाँ पर तब से कुंभ बनाया जाने लगा। और इस घड़े की खोज 12 दिव्य दिनों तक चली थी, इस वजह से इसको हर 12 साल में मनाते हैं। ग्वालियर में विकलांग केंद्र स्थापित होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको बेसिकली हमको अब दिव्यांग केंद्र बोलना चाहिए, ये वर्ड जो है अब हमको नहीं यूज़ करना चाहिए बेसिकली, जब सरकार ने इसको प्रोहिबिट कर रखा है। दिव्यांग केंद्र बेसिकली खुलेगा, डिसेबिलिटी सेंटर इसको बोलेंगे। विकलांगता खेल केंद्र को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत किया जाएगा, ठीक है। ये 5 वर्ष की अवधि में करीब स्थापित हो पाएगा, करीब 2024 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। गोविंद प्रसाद शर्मा को NBT यानी कि नेशनल बुक ट्रस्ट, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। एजुकेशनिस्ट और ऑथर रहे हैं, साथ ही साथ जो है
बहुत जगह सर्व कर चुके हैं, लंबे करियर में पीजी मध्य प्रदेश कॉलेज में रह चुके हैं, ग्वालियर चंबल संभाग के उच्च शिक्षा निदेशक रह चुके हैं, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के निदेशक और मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो एनबीटी के जो अध्यक्ष हैं गोविंद प्रसाद शर्मा, ये इनका कनेक्शन है मध्य प्रदेश से कहाँ कहाँ पर है वो हमने बता दिया आपको। नेशनल बुक ट्रस्ट जो है ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है और वहाँ का एक उच्च विभाग है। 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका ऑब्जेक्ट्स आप जानते हैं, हिंदी अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषाओं में अच्छे साहित्य का सृजन और प्रोत्साहन करना, ऐसे साहित्य को जनता के बीच तक पहुंचाना, बुक कैटलॉग को बाहर लाना, बुक फेयर जो लगते हैं, बुक एग्जीबिशंस लगते हैं, बुक सेमिनार्स लगते हैं, उसको यहाँ पर स्थापित करना और कंडक्ट करवाना समय समय पर, बुक माइंडेड लोगों को बनाना, क्लासिकल लिटरेचर को प्रमोट करना, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर नेशनल बुक ट्रस्ट के कार्य। विदेशी भाषाओं का उत्कृष्ट साहित्य जो है उसका अनुवाद करवा के उपलब्ध करवाना ये भी है, और गतिविधियों में गैर पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन ये भी है। ठीक है, एनबीटी जो है टेक्स्ट बुक से संबंधित नहीं है, ये नॉन टेक्स्ट बुक से संबंधित है। बेसिकली बच्चों के लिए गतिविधियाँ, बच्चों का साहित्य, पुस्तक मेलों का आयोजन, ये सब एनबीटी के कार्य होते हैं। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने ये 2022 तक जो हमको आवास सबको देना है, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के तहत, उसमें एलोकेशन आया था, राज्यवार आवंटन हुआ था कि किस प्रदेश में कितने प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के तहत घर बनेंगे या घर मिलेंगे लोगों को। तो मध्य प्रदेश को कितने घर मिले हैं ये इम्पोर्टेंट आपको नंबर याद रखना है। किसी भी स्टेट के हैं आप, उसका आप एग्ज़ाम देते हैं तो उसका नंबर आपको याद रखना है। से मध्य प्रदेश में कितने घर मिलेंगे, 26,587। बस ये नंबर आपको याद रखना है कि कितना एलोकेट किया गया था 2019 में, आपको एलोकेट किया गया था मध्य प्रदेश में ये नंबर 26,557 प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के तहत। 2022 तक सभी को आवास सुनिश्चित करना इस आपका प्रधानमंत्री आवास योजना का ऑब्जेक्टिव है। अब आ जाते हैं अगले पर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन भोपाल और जोरहाट में इनका इनाग्रेशन हुआ था साल की शुरुआत में 2019 में। पुरानी न्यूज़ है लेकिन फिर भी आ सकता है। तो भोपाल में खुला था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, बस ये याद रखना है आपको। और भी कई जगह खुला था, जैसे जोरहाट में, कुरुक्षेत्र में, जैसे हरियाणा करंट अफेयर में हमने कुरुक्षेत्र का आपको हाईलाइट करके दिखाया था, और आपका राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान अमरावती में भी खुला था आंध्र प्रदेश में, ये इंपॉर्टेंट बात है। डिज़ाइन नीति आखिरी बार आई थी 2007 में, उसके तहत डिज़ाइन को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन अहमदाबाद में आया और फिर बाकी जगह पर भी इसका विस्तार हो रहा है। नौरादेही के बारे में बात कर लेते हैं। नौरादेही सेंचुरी आपके मध्य प्रदेश में ही, आपको पता होगा मध्य प्रदेश वालों को, यहाँ पर नामीबिया से स्पॉटेड चीता जो है वो यहाँ पर ला करके रखा जाएगा। ये ट्रांसलोकेटेड है, बेसिकली ट्रांसलोकेट करते हैं एनिमल्स का, यानी कि उनको यहाँ पर भी स्थापित करना चाहते हैं। यहाँ एक एनिमल आएगा फिर दूसरे को जन्म देगा, धीरे धीरे जो है स्पॉटेड लायन की संख्या, सॉरी स्पॉटेड चीता की संख्या हमको बढ़ानी है, स्पॉटेड टाइगर्स को। भारत में आखिरी बार चित्तीदार चीता 1947 में मर गया था, ठीक है, और फिर एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया गया था 1952 में हमारे देश में। अब फिर से हम उसको, उसकी प्रजाति को पुनः स्थापित करना चाहते हैं इंडिया में, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक पैनल स्थापित किया गया था कि हम चीता को पुनः स्थापित करेंगे, तो इसमें विशेष पैनल ने सिफारिश की थी कि जो स्पॉटेड चीता जो सबसे तेज जानवर माना जाता है पूरी एनिमल्स में, कूनो पालपुर और गुजरात के वेलवदार नेशनल पार्क और राजस्थान के ताल छापर अभयारण्य में इनको ट्रांसलोकेट किया जा सकता है या फिर इनको पुनः स्थापित किया जा सकता है। चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट स्थापित किया गया था 2012 में, ठीक है, 50 करोड़ रुपये मध्य प्रदेश के लिए आवंटित किए गए थे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा, जो कि स्टैचुटरी बॉडी है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंतर्गत काम करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ईआरएसएस के बारे में। इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम है, 16 राज्यों में शुरू हुआ था इंक्लूडिंग यूटीज, और इसमें हमारा एक राज्य मध्य प्रदेश भी रहा होगा, तभी न्यूज़ हमने ली है इसको। हाँ बिल्कुल, मध्य प्रदेश में भी ये योजना शुरू की गई थी, या फिर ये सपोर्ट सिस्टम शुरू किया गया था। इसको 112 हेल्पलाइन नंबर बोलेंगे, 112 से आप किसी भी सेवाओं को यहाँ पर ले सकते थे, जैसे कि इंटीग्रेटेड पुलिस के लिए 100, फायर के लिए 101, वुमेन की हेल्पलाइन है 1090, ठीक है, ये हुआ करती थी पहले। अब क्या होगा कि आपको जो है 112 डायल करना पड़ेगा, यहीं से आपको सुविधा मिल जाएगी इन 16 राज्यों में, ठीक है। अगर इमरजेंसी कॉल करनी है तो यहाँ पर सुविधा दी गई है कि आप 3 बार स्मार्टफोन का
पार बटन दबाएं, या तो अगर आपके पास नॉर्मल फ़ोन है तो 5 या 9 की को जो है 2 सेकंड तक दबाए रखें तो पैनिक कॉल जो है एक्टिवेट हो जाएगी। और 112 इंडिया मोबाइल ऐप भी यहाँ पर बनाया गया था, गूगल प्ले स्टोर में उपलब्ध है, और ERSS की वेबसाइट पर भी रिस्पेक्टिव स्टेट के लिए अलग अलग नंबर दिए हुए हैं। स्वस्थ भारत यात्रा कंडक्ट की गई थी FSSAI के द्वारा और ईट राइट इंडिया इनिशिएटिव के तहत ये यात्रा शुरू की गई थी। इसमें कुछ अवार्ड्स दिए गए थे, मध्य प्रदेश के खाते में क्या क्या अवार्ड्स दिए गए इनको देख लेते हैं। बेसिकली 100 दिन का कंज्यूमर आउटरीच प्रोग्राम था FSSAI का। 2.5 करोड़ लोग यहाँ पर शामिल हुए थे अलग अलग राज्यों से प्लस यूटीज से। 21,000 लोकल ईट राइट चैंपियंस यहाँ पर घोषित किए गए थे जो कि इस मूवमेंट को आगे बढ़ाते रहेंगे। अवार्ड्स एग्जाम्पलर पार्टिसिपेशन के लिए किसको किसको मिले थे, जैसे बेस्ट ओवरऑल स्टेट का अवार्ड मिला था तमिलनाडु को। बेस्ट 3 स्टेट्स से जिनकी पॉपुलेशन 3 करोड़ से ऊपर थी उनमें गुजरात था, फिर मध्य प्रदेश था। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। जैसे पूछेंगे कि मध्य प्रदेश को ईट राइट इनिशिएटिव में किस कैटेगरी में अवार्ड मिला है, तो ये मिला है बेस्ट स्टेट्स विद पॉपुलेशन अबव 3 करोड़, 3 करोड़ से ऊपर आबादी वाले सर्वश्रेष्ठ राज्यों की कैटेगरी में। बेस्ट स्टेट्स विद पॉपुलेशन लेस देन 3 करोड़ वो हैं पंजाब, गोवा और दिल्ली। विशेष पुरस्कार मेघालय, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड को उनके पहाड़ी और कठिन इलाकों में होने के बावजूद इस अभियान में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मिला था। मध्य प्रदेश का जो लेटेस्ट कैबिनेट है वहाँ पर कौन कौन रैंक होल्डर्स हैं इनको एक बार देख लेते हैं, हो सकता है आज एग्जाम में। और जो MP वाले हैं आपको ये बेसिकली पता भी होना चाहिए एज अ रेसिडेंट ऑफ MP। कमलनाथ जो हैं ये औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन लिए हुए हैं, और अप्रवासी भारतीय अन्य विभाग जो किसी को आवंटित ना हो इनके पास रहेगा। जीतू पटवारी खेल एवं युवा कल्याण उच्च शिक्षा विभाग लिए हुए हैं। श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के पास श्रम विभाग यानी कि लेबर डिपार्टमेंट है। PC शर्मा के पास विधि एवं विधायी कार्य, जनसंपर्क, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विमानन, धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग है और मुख्यमंत्री संबद्ध हैं। गोविंद राजपूत यहाँ पर राजस्व और परिवहन विभाग लिए हुए हैं। इमरती देवी यहाँ पर लिए हुए हैं महिला एवं बाल विकास विभाग। सज्जन सिंह के पास लोक निर्माण और पर्यावरण विभाग है। हुकुम सिंह कराड़ा के पास जल संस्थान विभाग है, संसाधन सॉरी वाटर रिसोर्सेस है। और डॉक्टर गोविंद सिंह के पास सहकारिता, कोऑपरेटिव यानी कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है। नर्मदा घाटी विकास पर्यटन विभाग है सुरेंद्र सिंह बघेल के पास, और श्री ब्रजेंद्र सिंह के पास है वाणिज्यिक कर, प्रदीप जायसवाल के पास है खनिज संसाधन, लाखन सिंह यादव के पास है पशुपालन, आपका कछुआ कल्याण और मत्स्य विकास यानी कि एनिमल हस्बेंड्री, टर्टल वेलफेयर और फिशरीज डिपार्टमेंट। अगला है ओमकार सिंह, तो ओमकार सिंह मारकाम जो हैं ये ट्राइबल अफेयर्स के हैं, डिनोटिफाइड एंड नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब वेलफेयर डिपार्टमेंट के हैं। ऊर्जा विभाग के हैं प्रीव्रत सिंह, एनर्जी डिपार्टमेंट। सुखदेव पांस हैं यहाँ पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के। उमंग सिंघार हैं वन विभाग के। उसके बाद जयवर्धन सिंह नगरीय विकास एवं आवास विभाग के हैं। कमलेश्वर पटेल पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के। तुलसीराम सिलावट ये लोक स्वास्थ्य और विचार कल्याण के हैं। श्री लखन सिंह घनघोरिया ये हैं आपके सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण अनुसूचित जाति कल्याण के लिए। प्रद्युम्न सिंह तोमर जो हैं ये खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के हैं। सचिन सुभाष यादव ये किसान कल्याण तथा कृषि विकास उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण के हैं। डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधव ये संस्कृति चिकित्सा विभाग आयुष विभाग के हैं। तरुण भनोट यहाँ पर आपके वित्त योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के हैं। बाला बच्चन आपके गृह जेल तकनीकी शिक्षा कौशल विकास और रोजगार लोकसभा प्रबंधन विभाग के हैं। आरिफ अकील यहाँ पर भोपाल गैस ट्रेजडी राहत एवं पुनर्वास पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के हैं। उसके बाद नियुक्तियां यहाँ पर क्या क्या हुई हैं, लेटेस्ट अपॉइंटमेंट किसका है, जय कुमार मित्तल का आपके बोबड़े के पास बने थे वहाँ के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, क्योंकि अब CGI बन गए हैं। मध्य प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष हैं श्रीमती लता वानखेड़े। मध्य प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं नियाज मोहम्मद। मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता हैं यानी कि एडवोकेट जनरल हैं आपके शशांक मनोहर।
सॉरी शशांक शेखर और अतिरिक्त महाधिवक्ता हैं शेखर शर्मा, इनका नाम कन्फ्यूजिंग है ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त हैं नरेश कुमार गुप्ता, मध्य प्रदेश के 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं हिम्मत कोठारी, मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं थावरचंद गहलोत और 7वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के सांसद बने थे वीरेंद्र कुमार। महानिदेशक मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद मैपकास्ट के बने थे अरुण सक्सेना। मध्य प्रदेश से पूर्व राज्यसभा के सांसद छत्तीसगढ़ की राज्यपाल राष्ट्रीय अनुसूची जनजाति आयोग की उपाध्यक्ष सुश्री अनुसुईया उइके बनी थी। राज्य सहकारी बैंक एपेक्स बैंक के प्रमुख हैं श्री अशोक सिंह और मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त हैं अरविंद कुमार शुक्ला। अन्य सूचना आयुक्त हैं आपके डॉक्टर गोला कृष्णमूर्ति और श्री राहुल सिंह। मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं नरेंद्र कुमार जैन और मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष हैं चेतन कश्यप। चीफ ऑफिसर यानी प्रमुख पदाधिकारियों में राज्यपाल लालजी टंडन 29 जुलाई 2019 तक, विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति, पुलिस महानिदेशक विजय कुमार सिंह, राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह, मध्य प्रदेश उपभोक्ता विवाद निराकरण या निवारण आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राकेश सक्सेना, मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम प्रबंध के संचालक हैं डॉक्टर सॉरी श्री विवेक पोरवाल, मध्य प्रदेश के लिए महालेखाकार हैं आपके श्री रविंद्र पत्तार यानी अकाउंटेंट जनरल ऑफ मध्य प्रदेश। अगला है मध्य प्रदेश रियल एस्टेट अथॉरिटी RERA के अध्यक्ष हैं श्री एंथनी डे सॉ। प्रोटेम स्पीकर बने थे यहाँ पर दीपक सक्सेना। नेता प्रतिपक्ष के हैं श्री गोपाल भार्गव। प्रमुख सचिव हैं श्री सुधीर रंजन मोहंती। माँ नर्मदा माँ शिप्रा माँ मंदाकिनी न्यास के अध्यक्ष हैं नामदेव दास त्यागी, इनको कंप्यूटर बाबा बोलते हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं प्रोफेसर भास्कर चौबे और विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं हिना कांवरे। ठीक है, अब यहाँ पर जो नए डिस्ट्रिक्ट बने थे 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ से पृथक करके निवाड़ी को मध्य प्रदेश का 52वां जिला बनाया गया था। ठीक है, कुल विधानसभा सीटें यहाँ पर आपकी दो निवाड़ी और पृथ्वीपुर इसमें थी। निवाड़ी में दो विधानसभा सीटें थी, निवाड़ी और पृथ्वीपुर। निवाड़ी जिला यहाँ पर सागर डिवीज़न का आपका 6ठा जिला होगा। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश के झांसी और महोबा से स्पर्श करती है, ये इंपॉर्टेंट बात है। जनसंख्या ये इतनी है, क्षेत्रफल यहाँ पर इतना है। जिला मुख्यालय निवाड़ी रहेगा, तहसीलें निवाड़ी पृथ्वीपुर और ओरछा रहेंगी। ओरछा में रामायण संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है। ओरछा को मध्य प्रदेश की अयोध्या नगरी भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया आपको करंट अफेयर में पहले यहाँ पर राजा राम मानते हैं, भगवान राम नहीं मानते हैं। प्रतापपुर औद्योगिक क्षेत्र इस्टैब्लिश किया जा रहा है या किया जा चुका है। जिले के प्रथम कलेक्टर हैं श्री अक्षय कुमार सिंह, ये बने थे निवाड़ी के। निवाड़ी के जिला बनने से मध्य प्रदेश के जिलों का क्षेत्रफल और जनसंख्या में बदलाव हुआ है। जनसांख्यिकी में अब मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला निवाड़ी है और जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे छोटा जिला निवाड़ी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान में रखेंगे। अगर सेंसस 2011 के हिसाब से पूछेंगे तब तो पुराना डेटा ही फॉलो होगा, अन्यथा जो है ये वाला फॉलो करेंगे आप। भाषा यहाँ की है बुंदेली और हिंदी। जनपद पंचायत निवाड़ी और पृथ्वीपुर रहेंगी निवाड़ी का। और पर्यटन स्थल ओरछा बेतवा नदी के किनारे बुंदेल वंश के शासक के द्वारा बनाया हुआ और ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर। राम राजा का मंदिर, गढ़ कुंडहार का जिला, अछरू माता का मंदिर पृथ्वीपुर में जो है, जहांगीर का महल, राय प्रवीण का महल और चतुर्भुज मंदिर। नए तहसीलों का गठन हुआ, टीकमगढ़ की तहसील है बड़ा गाँव, बैतूल की है भीमपुर और प्रभातपट्टन, झाबुआ की है रामा, दमोह की है दमयंती नगर, सागर की है जैसी नगर और सागर नगर, भिंड की है भिंड नगर, उमरिया की है बिलासपुर, मुरैना की है मुरैना नगर और बानमौर, भोपाल की है कोलार और खंडवा की है खंडवा नगर। आगे बढ़ते हैं, इंदौर मल्हारगंज राव खुडायल कनाड़िया और ये आपका है। उसके बाद बुरहानपुर की बुरहानपुर नगर, जबलपुर की गोरखपुर, आधारतल रांझी, सिंगरौली की सिंगरौली नगर, ग्वालियर की तानसेन मुरार और सिटी सेंटर, कटनी की कटनी नगर, उज्जैन की कोठी महल उज्जैन नगर और जाड़ा, देवास की देवास नगर, सतना की रघुराज नगर, रतलाम की रतनाम नगर, धार की पीथमपुर, अशोकनगर की बहादुरपुर, शिवपुरी की रन्नौद, राजगढ़ की खुजनेर और रायसेन की देवरी,
रीवा की हुजूर नगर, रतलाम की रतलाम नगर। उसके बाद प्रमुख योजनाओं के बारे में बात कर लेते हैं।